किस केटल में हमने पानी गर्म करने से ज्यादा मैगी बनाई होगी, है ना, हॉस्टल्स में, होटल्स में, मतलब कहीं भी अगर हमको केटल अवेलेबल हो जाती है तो हम इसमें मैगी जरूर बना के खाते हैं, है ना। कौन कौन अग्री करता है कॉमेंट करके बताना। चलो आज इसमें बनाएंगे पास्ता, मतलब हॉस्टल पास्ता टाइप से, अगर आप हॉस्टल्स वगैरह में रहते हो तो आपके लिए ईजिली बन जाएगा, और हम इंग्रेडिएंट्स भी वैसे यूज़ करेंगे जो आपके पास ना इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर चलो बनाते हैं। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह के रहेंगे, ये होगा पास्ता, ये पास्ता नहीं एक्चुअली मैक्रोनी है, मतलब मैं बोल पास्ता रही हूँ ले मैक्रोनी रही हूँ कर क्या रही हूँ पता नहीं, मतलब मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास पास्ता वगैरह हो तो आप वो भी ले सकते हो। यहाँ मैंने सब्जियाँ ली हैं थोड़ी सी, ये लहसुन है, शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर, ये ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। दो चीज़ की स्लाइस क्यूब हैं, ये स्लाइस नहीं क्यूब लेंगे। बटर है, पास्ता मसाला, ये मैंने यूज़ भी नहीं किया अभी तक भी, मैंने कहा चलो यार इसमें यूज़ भी कर लेते हैं, देखते हैं कैसा बनता है, ठीक है। आप इसकी जगह मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हो, है ना। ये थोड़ा सा मिल्क है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो आप ये स्किप कर सकते हो। ये वाटर है, इसमें थोड़े से मसाला। तो सबसे पहले हम केटल में डालेंगे थोड़ा सा बटर, और हाँ ये ना थोड़ा सा स्लोली स्लोली बनेगा। अगर आपको लगे कि बीच में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, थोड़ा सा जलने की स्मेल आ रही है, तो आप केटल को बंद कर देना, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस दे और थोड़ा धीरे धीरे बनाना, नहीं तो फिर क्या है केटल बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो फिर थोड़ा जलने का डर रहेगा, ठीक है। ये देखो ये धुआं आ रही है, इस वजह से दिख नहीं रहा है, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो धीरे धीरे करके कुक हो रहा है, बहुत धुआँ है। जब आपको लगे पास्ता में थोड़ा सा पानी बचा रह गया है तो इसमें डाल देंगे अब चीज़ के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स कर दो एक बार और बस चीज़ को मेल्ट हो जाने देंगे। अब मस्त पास्ता बन के रेडी हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितने अच्छे से मैक्रोनी और पास्ता जो भी है ये कुक हुआ है। बहुत अच्छे से कुक हुई है, सारी चीज़ें अच्छे से कुक हुई है, वेजीज भी और सब कुछ। चलो इसको टेस्ट करते हैं। बहुत मज़ेदार, सारी सब्जियां ना इतने अच्छे से कुक हुई हैं और सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, क्योंकि उसमें बहुत देर तक उबलती रही ना, तो सारी सब्जियां सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया, तो बहुत मज़े की लग रही है।